अरे ये क्या फोटो है, इसमें तो जो सब्जेक्ट है वो एकदम साइड में चला गया है। कैसा लग रहा है। अरे अभी ये कैसा फोटो है, इसमें तो जो है सब्जेक्ट कुछ और ही जगह पे देख रहा है, कहीं और ही देख रहा है, कैसा ही लग रहा है। आई डोंट थिंक ये अच्छा कंपोजिशन है। लास्ट टाइम ही मैंने समझा था कि कंपोजिशन होता क्या है, ये तो यहाँ वहाँ हो रहा है, ऐसा क्यों होता होगा। और बहुत सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है। सब्जेक्ट तो हमेशा सेंटर में होना चाहिए ना, जैसे अभी मैं हूँ। वेल, इसका कारण है गोल्डन रूल ऑफ कंपोजिशन। इसका मतलब है रूल ऑफ थर्ड्स। ये रूल ऑफ थर्ड्स क्या है। वेल, जैसे मैंने कहा गोल्डन रूल है, इसीलिए तो मैंने गोल्डन कपड़े भी पहने। जब भी आप कंपोजिशन करना चाहते हो और आप देखते हो कि जो मेन सब्जेक्ट है जिसको आपको हाईलाइट करना है वो जो है साइड्स में है, ऐसा कोई कंपोजिशन आपने काफ़ी बार देखा होगा। ये कंपोजिशन फॉर्म कैसे हुआ। सालों से जब एक बहुत ही बड़े पेंटर थे, बड़े बड़े जो पेंटर्स होते थे वो इस रूल को यूज़ करते थे, और पेंटिंग से ये फोटोग्राफी में रूल आया है। ये रूल जो है, जैसे हमारी दोनों आँखें जो है दो एक ऐसी जगह पे होती है और सेंटर में नहीं होती है, दो एक यहाँ पे होती है दूसरी यहाँ पे होती है, इसके बेसिस से जो है ये रूल फॉर्म हुआ है। तो जब भी आप कोई फ्रेम देखते हैं, एक फ्रेम रेक्टेंगल शेप में होती है, और ये रेक्टेंगल शेप की फ्रेम को दो लाइन में और दो लाइन वर्टिकल दो लाइन हॉरिजॉन्टल ऐसे करके इंटरसेक्ट करती है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर से नहीं आती है, सेंटर के दोनों साइड से, जैसे हमारी आंखें दोनों साइड में होती है एग्जैक्टली वैसे ही एक रेक्टेंगल फ्रेम में दो लाइंस बन जाती है जो सेंटर के ऑफ होती है। और ऐसे ही जो है आपको चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट हुई है। और ये जो चार पॉइंट्स है यहाँ पर, ये चार पॉइंट्स को कहा जाता है गोल्डन पॉइंट्स। वेल, इस पॉइंट्स का मतलब है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। जैसे इसका ग्रेड वैसे इसका इम्पॉर्टेंस होता है। तो पॉइंट ए का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप अगर मेन सब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हो तो आपकी फ्रेमिंग सबसे बेस्ट होगी। इंसान जब कोई भी फोटो देखता है, हम ह्यूमंस जो है लेफ्ट टू राइट देखते हैं चीज़ों को, ऐसे देखते हैं राइट। और इसीलिए जब हम एक फ्रेम देखते हैं उसमें भी हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं देखते, ठीक है। और इसीलिए जो है पहला पॉइंट, जो पॉइंट ए है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रभावशाली बन जाता है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट को इस फ्रेम के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रखते हो तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए पॉइंट ए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर आता है पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे थोड़ा प्रभाव कम होता है, इंसान ऐसे देखता है ना, इसीलिए तो इसका प्रभाव थोड़ा कम। फिर पॉइंट आता है सी, उसका प्रभाव उससे कम, और पॉइंट डी पे उससे भी ज़्यादा कम। ऐसे करके जो है ये चार मेन पॉइंट्स है जहाँ पे इंसान जो है जब भी उस फोटो को देखे तब उसका वहाँ पे ध्यान चला जाए। आप कहोगे ये चारों पॉइंट पे क्यों ही हम हमारा जो है मेन सब्जेक्ट रखे, सेंटर में ना रखे। जैसे अभी मैं सेंटर में ही हूँ, सेंटर में मैं भले ही हूँ, तो इट डिपेंड करता है, ये एक अलग रूल हो जाता है जब आप सेंटर में एक फ्रेम को रखते हो तब। पर जब हम लोग हमारे सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो आंखें जो हिसाब से इस फ्रेम को देखती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट देखती है, हम सेंटर में नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं। ये एक साइंस है, साइकोलॉजी है राइट। सो इसीलिए जो है इस रूल का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, अब आप ये समझे कि अच्छा ये कारण है प्रभाव एक सब्जेक्ट का एक इमेज में, एक फ्रेम में ज़्यादा बैठे, और इसीलिए हमें जो है ये पॉइंट्स को यूज़ करना है। पर हर बार ये पॉइंट्स को कैसे याद रखें। बहुत ही आसान है, चाहे आप कोई भी DSLR मिररलेस कैमरा आज के ज़माने में ले, या फिर आप अपने फ़ोन के कैमराज में भी जाए, वहाँ पे ग्रिड ऑन करने का ऑप्शन आ गया है। अगर मैं कैनन R6 Mark II के कैमरा के अंदर जाओ, मेरे पास अभी ये है, आपके कैमरा में जाके टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको बस आपकी ग्रिड ऑन करनी है, 3x3 की ग्रिड दिखाई जाएगी। आपके आईफोन में या एंड्रॉयड फ़ोन में भी आजकल ग्रिड्स आ चुकी हैं। ये ग्रिड्स जो है व्यू फाइंडर के अंदर से भी दिखती है, ताकि जब आप व्यू फाइंडर के अंदर जाए और कोई इमेज देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली वो सारे पॉइंट्स दिखे, और उस पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए जो है आप जो है इमेज को कंपोज करें। इमेज दो प्रकार की होती है, आज के वीडियो के ज़माने में तो दो हिसाब से होती है, जैसे रील्स है और यूट्यूब वीडियोज़ हैं, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसी दो फ्रेम्स वीडियो में भी बनती है, और इमेजेस में तो ऑफकोर्स सालाना से बनती आ रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स। अभी
जब आप जो है वर्टिकल फ्रेम शूट करते हो तब भी ये चार पॉइंट्स लागू होते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल फ्रेम शूट करते हो तब भी ये चार पॉइंट्स लागू होते हैं। अगर आप एक पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हो और पोर्ट्रेट के वक्त जो उसकी दोनों आँखें हैं वो जो है वो फ्रेम में सेट हो जाती है वो दो पॉइंट्स के ऊपर, और अगर जो है आप एक ऐसी इमेज स्टोरी टेलिंग इमेज कैप्चर कर रहे हो तो वो जो है चार पॉइंट्स के ऊपर जो है दो सब्जेक्ट प्लेस हो जाते हैं। चाहे आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, या कोई भी प्रकार की फोटोग्राफी कर रहे हो, ये रूल आपको हमेशा काम में आएगा। इसीलिए इसे गोल्डन रूल ऑफ फोटोग्राफी कहा गया है। हमेशा ही ये चीज़ अच्छी लगती है और सालों से अच्छी लगने वाली चीज़ गोल्डन ही होती है। आई होप आज आपका जो ये वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स जिनको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को क्योंकि हम रुकने नहीं वाले, हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं। और अगर आपको जो है हमारी फोटोग्राफी के कोर्स में इंटरेस्ट है जहाँ पे हम इन डेप्थ फोटोग्राफी सिखाते हैं और लाइव Q&A सेशन लेके आपको अलग लेवल पे फोटोग्राफी करने के लिए एक जो है तालीम देते हैं, अगर इंटरेस्ट है तो मेक श्योर करें कि हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, रजिस्टर करवाएं। हर महीने जो है हमारा कोर्स ये आता रहता है। सो अब तक के लिए, आने वाले दिनों के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।